सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय गैलरी ए टू जेड। तो आज मैंने व्हाट्सएप का और प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग होता है कि यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप चैनल में मेरा नया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास में रहा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसमें आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आपको नया नया ट्रिक के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं पहले चले जाता हूँ व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ओपन हो गया मेरा। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद आपको यहाँ जो थ्री डॉट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में आ जाइए। अकाउंट में आने के बाद आप प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट सीन ऑनलाइन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अगर दिखाना नहीं चाहते हैं कि आपको कोई देखे कि कौन सा टाइम में आप व्हाट्सएप में था और कौन सा टाइम में नहीं था, तो आप क्या करेंगे, इसको नो बॉडी कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई फॉलो नहीं कर पाएगा कि आप कितने बजे तक व्हाट्सएप में था और कितने बजे व्हाट्सएप से हट गया, ये सब नहीं देख पाएगा। हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी एवरी वन करके रखा है, तो सेम एज ए लास्ट सीन करके इसको भी अपडेट करना है। तो आपको कोई फॉलो नहीं कर पाएगा कितने बजे व्हाट्सएप में आप था और कितना टाइम था। तो एक गया, एक ट्रिक और है, जैसे कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो कोई भी देखता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं दिखाना है तो नो बॉडी कर दीजिए। इसमें क्या होगा, आपका प्रोफाइल फ़ोटो कोई नहीं देख पाएगा, तो इसमें बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रहेगा। और एक है टेटस, आप कोई भी टेटस डालते हैं जैसे, तो आपको लगता है कि नहीं दिखना चाहिए, या तो कस्टमाइज़ करना है कि किसी को दिखाना है किसी को नहीं दिखाना है। तो आपको अगर कोई कोई मतलब किसी किसी को पर्सन को दिखाना है तो माय एक्सपेक्टेशन में जाइए, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करिए, कोई भी एक नंबर डाल के जिसको दिखाना है वो सिलेक्ट करिए और इसको छोड़ दीजिए। तो माय एक्सपेक्टेशन जो है उनको सिर्फ दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। अगर वो भी नहीं दिखाना है तो ओनली ये कर दीजिए जिसको दिखाना है, तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे जिसके जिसके साथ दिखाना चाहते हैं उसके उसके साथ दिखाना है, तो यहाँ पे ओनली शेयर विथ दिस पर्सन को आप सिलेक्ट करिए जिसके जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें ये वाला सिलेक्ट करिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर में सारा है उसी सबको दिखाना है, तो माई कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट है, अगर आपको आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका नंबर बहुत जगह में स्पेंड हो चुका है और हर एक जगह से आपको ग्रुप में ऐड करता है, तो इस ग्रुप से आपको ऐड नहीं होना है, अननोन ग्रुप में ऐड नहीं होना है, तो आपको क्या करना है, इसी ग्रुप में आना है। और ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है एवरी वन, माई कॉन्टैक्ट और माई एक्सपेक्टेशन और नोबडी। ये नोबडी को क्लिक करिए, या तो माई कॉन्टैक्ट में करेंगे तो जो भी आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेगा वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता है। और नोबडी करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट में है या नहीं है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आपको एक बार पूछेगा, इन्विटेशन भेजेगा कि इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, एक नोटिफिकेशन आएगा। आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको ग्रुप में ज्वाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नोबडी करके रखिए, ये बेस्ट है, तो आपको कोई ग्रुप में आपका परमिशन छोड़ के कोई ऐड नहीं कर सकता है। तो ये गया आपका प्राइवेसी का ट्रिक। तो ये ट्रिक कैसा लगा आपको, अगर इस ट्रिक अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया फीचर के साथ और नया ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।